मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल में वापस स्वागत है। सो ICR की तरफ से ही एक और ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पता होगा कि अगर आप ऑफिशियल फ्लाइट पे कभी गए हों कुछ दिन पहले, दो चार दिन के अंदर ही आज ही आइए लगभग, ठीक है। तो अगर आप एक नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस है NTA की तरफ से, फाइनली थोड़ा नीचे जाओ और यहाँ पर न्यूज़ वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर लोगे फ़ोन को अपने, तो यहाँ पर एक न्यूज आई होगी ICR की तरफ से, ठीक है। और वो न्यूज़ क्या है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड सेशन में मैं गया और यहाँ से वो फाइल मैंने जो डाउनलोड की थी उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पब्लिश हुई है NTA की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है NTA जो होता है ICR का जो एग्ज़ाम होता है पिछले साल से कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। इसके पहले ICR खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया करता था। तो यहाँ पे लिखा गया है द NTA विल कंडक्टेड ICR एग्जाम एग्जामिनेशन इंट्रेंस एग्जाम एग्जामिनेशन UG PG AIC JRF SRF PHE 2020 ऑन 1 जून 2020। तो इसके कहने का मतलब ऑन रिक्वेस्ट मेनी कैंडिडेट ICR इंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना 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 ये भी कंडक्टेड ना, ठीक है, अगरतला आल्फो एलॉन्ग विथ अदर सिटीज ऑलरेडी इमीडिएटली ईयरली। कहने का मतलब इसका ये है दोस्तों कि जैसे कि जो स्टूडेंट जो है ICR का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जिसमें फिर PG कोर्सेज के लिए या फिर JRF SRF PHE कोर्सेज के लिए, तो इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट अगरतला से हैं और जो अगरतला में ही अपना एग्ज़ाम सेंटर भरे थे तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो जून में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गया था कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और रही बात अब दूसरे दूसरे शहर की कि जो स्टूडेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर अलग अलग जगह से हैं उनका एग्ज़ाम का क्या होगा, तो उनका एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं हुआ है, उनके एग्ज़ाम के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो जैसा भी होता है अभी मई चल रहा है, जून जून में आने पे क्या कैफा भी होता है, ऑफिशियल डेट क्या आती है वो हम बता दिए जाएगा आप अपने चैनल पे बता दिया जाएगा। तो अभी बस यही न्यूज आ रही है कि जो ICR का जो एग्ज़ाम होगा और जो अगरतला सेंटर में जिनका सेंटर फंसा हुआ है उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट जो मतलब सॉरी जो अगरतला से बिलोंग करते हैं उनका एग्ज़ाम होगा जो अगरतला में फॉर्म फिल किए हुए हैं, बस ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्ज़ाम रखा गया है, तो आप लोग भी एक बार नोटिस पढ़ लीजिएगा कि इस नोटिस में आपको क्या समझ में आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।